हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आलू मटर और मशरूम। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर और मशरूम, जो आलू मटर मशरूम बनाऊंगी उसके लिए जो मैंने सामान लिया है, मैंने यहाँ पे आधा किलो मशरूम लिए हैं, और जो मैं मटर मशरूम बनाऊंगी उसके लिए मैंने यहाँ पे मशरूम लिया है। और ये देखो बिल्कुल साफ है, मैंने अच्छे से धो दिया है इसको, मशरूम को। ये देखो ऐसे होना चाहिए मशरूम, और मशरूम को जो मैं ना ज़्यादा बारीक नहीं काटूंगी, बस दो स्लाइसिस में काटने, और धोना चाहिए ज़रूर, चाहे वो पैकेट वाले हो। मैं पैकेट वाले लाई थी। और मैंने यहाँ पर मटर लिए, मटर भी मैंने धो के रखे हैं, और मैंने यहाँ पर एक आलू भी कट करके रखा है, और तीन टमाटर की मैंने ग्रेवी बना के रखी हुई है, और यहाँ पर मैंने दो प्याज चॉप करके रखे हैं बिल्कुल बारीक बारीक, और एक अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा है। और इसमें खड़े मसाले हैं, इसमें तेज पत्ता है, लाल मिर्च है, जीरा है, हरी इलायची है, लौंग है, काली लौंग है, तो ये मैंने खड़े मसाले इसी में रखे हैं, एक ही कटोरी में रखे हैं। तो इसी से बनाऊंगी मैं आज आलू मटर और मशरूम। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो ये मशरूम है इनको मैं कट कर देती हूँ, और ज़्यादा पतला नहीं करूँगी मैं, बस दो स्लाइसेस में लेने हैं, क्योंकि फिर ये जब हम पकाते हैं तो ये फिर बहुत पतले हो जाते हैं। जो थोड़े बड़े हैं उनके आप कर सकते हो तीन, तो ऐसे मैं सारे मशरूम कट कर दूंगी। अब मैंने जब भी सारे मशरूम थे मैंने सारे कट कर दिए हैं। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं आलू मटर और मशरूम। और जो मैं आलू मटर मशरूम बना रही हूँ उसके लिए मैंने ये कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर मैं इसमें तेल डाल दूंगी। कढ़ाई गर्म हो गई है तो अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल मैं सरसों का डाल रही हूँ, सरसों के तेल में मटर मशरूम बहुत अच्छा बनता है। आलू मटर मशरूम बना लीजिए, और तेल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें मैं तेल थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि आज जो ये मटर मशरूम है इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, आप कम भी कर सकते हो। और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे फिर मैं इसमें तड़का डाल दूंगी। और जो मैंने तेल डाला था, तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें तड़का डाल दूंगी, और मैं ये जो खड़े मसाले हों एक साथ ही डाल रही हूँ, और तेल को थोड़ा तड़कने देंगे, फिर मैं इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। जीरा को थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने देंगे इसको। और जो मैंने जीरा डाला था ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने देंगे, और मैं इसी टाइम इसमें अदरक लहसुन का भी वो डालूँ जो मैंने कद्दूकस करके रखा था, अदरक लहसुन का पेस्ट है ना। और इसमें मैं हरी मिर्च और लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। हरी मिर्च मैंने चार पांच लंबी लंबी स्लाइसेस में कट कर रखी है, तो ये भी डाल दूंगी मैं। अब इनको अच्छे से ब्राउन होने देंगे। तो ये प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, इसको अब एक दो मिनट ऐसे ही चलाना है। जो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन प्याज का, ये अच्छे से ब्राउन हो गया है, देखो मैं दिखाती हूँ। तो अब मैं इसमें टमाटर की ग्रेवी डाल देती हूँ, और मैं अभी मसाले भी डाल दूंगी इसी में, और थोड़ा नमक, नमक तो अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर एक से दो चम्मच, और थोड़ा लाल मिर्च, मैंने हरी मिर्च भी डाल रखी, मैं लाल मिर्च कम डाल रही हूँ। अब मसालों को टमाटर के साथ में अच्छे से भून लेंगे, और इसको दो तीन मिनट तक अच्छे से पकाना है मसालों को, ताकि टमाटर की ना कच्चे की स्मेल ना आए, और मसाले भी अच्छे से पक जाए। और गैस की आंच मैंने इस समय फुल कर रखी है। और मसाला अच्छे से पक गया है, देखो तेल ऊपर आ गया है देखना, और खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, और आलू को भी मैं एक दो मिनट इसमें भून लूंगी, फिर इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी, और गैस की आंच हम मीडियम कर दूंगी, क्योंकि तो आलू गलने में थोड़ा लेट गलते ना आलू को, तो इसलिए आलू मसालों के साथ पका देंगे हम। मैं इसको एक दो मिनट चलाऊँगी इसे, और मसालों की खुशबू अच्छी आ रही है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख देती हूँ, और सिर्फ दो मिनट के बाद चेक करूंगी मैं, और मैंने गैस की आंच थोड़ा मीडियम कर रखी है। दो मिनट हो गए, तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आलू थोड़ा गल गए हैं कि नहीं। और आलू देखो मसाला अच्छे से पक गए, खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें मटर और मशरूम भी डाल दूंगी, और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। मैं मशरूम भी डाल रही हूँ, और मैं मटर भी डाल देती हूँ।
अब अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इनको, मटर मशरूम को मसालों के साथ में, और हमको अच्छे से मटर और मशरूम को मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करना है। और गैस की आंच मैंने मीडियम कर रखी है, तो मशरूम और जो ये मटर है अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स हो गए। तो अब मैं इसके ऊपर फिर ढक्कन रख दूंगी और गैस की आंच में मीडियम कर दूंगी, क्योंकि इसको हमको भाप ही भाप में पकाना है। तो इसके ऊपर मैं ढक्कन रख रही हूँ, अब 4 या 5 मिनट बाद चेक करूंगी मैं। 2 मिनट हो गए, तो अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखो, और मसाला अच्छे से पक गए इनके साथ में, जो आलू मैंने ये डाले थे, आलू मटर मशरूम। देखो पानी भी छोड़ के खरीदते हैं, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर हम। बस पकने वाला है, 1-2 मिनट और लगेंगे, फिर हमारी मटर आलू और मशरूम की सब्जी पक के रेडी। और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और एक मैं आलू आपको चेक भी करवा देती हूँ, आलू तो मेरे ख्याल से अच्छे से गल गए हैं, बस थोड़ा सा और 2 मिनट लगेंगे बस। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, तो अब मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी, बस 1 गिलास, वो भी मैंने गर्म करके रखा हुआ पानी। 1 गिलास से मैं पूरा भी नहीं डालूँ, थोड़ा सा ही डालूंगी बस, क्योंकि हमको इसको रोटी के साथ खाना है, तो हमको ज़्यादा नहीं चाहिए तभी, बस इतना ही पानी डालना है इसमें। अब ये सब्जी जैसे पकने वाली है, तो मैं अब इसमें मसाला डाल देती हूँ। मैंने मैगी मसाला लिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्वाद भी हो जाती है सब्जी, तो आप भी ज़रूर डालना। बस एक ही पैकेट डाला है मैंने। अब मैं सब्जी को खुले में ही पकाऊंगी, अब इसमें ढक्कन नहीं रखूंगी, बस 1-2 मिनट और पकाना है, तो इसलिए मैं खुले में ही पका रही हूँ इसको। बस अब ये पकने ही वाला है, बस 1 मिनट और लगेगा, फिर मैं ये पूरी तरह से पक के फिर रेडी हो जाएगा। देखो, और खुशबू अच्छी आ रही है इसकी। और सब्जी को 1 से 2 मिनट हो गए, मैंने खुला ही पकाया इसे। तो मैं एक आलू चेक कर लेती हूँ कि आलू अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। और अब गर्म बहुत है, लेकिन देखो आलू अच्छे से गल गए हैं। तो सब्जी बनके पूरी तरह से तैयार हो गई, और बहुत चटपटी भी बनी है, और बहुत स्वादिष्ट लग रही है, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जो ये आलू मटर और मशरूम की जो ये सब्जी है, ये बनके पूरी तरह से रेडी होगी। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऊपर से गार्निश के लिए ना थोड़ा हरा धनिया डाल देती हूँ, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसे ऊपर डाल देंगे ऐसे करके, बस ये सब्जी होगी पूरी बनके तैयार। अब मैं प्लेटिंग कर देती हूँ। और आप ये मशरूम की जो मैंने सब्जी बनाई ना, आलू मटर मशरूम की, आप इसको रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई करना, जो मैंने ये आलू मटर और मशरूम की सब्जी बनाई है। अगर आपको ये आलू मटर और मशरूम की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना आपको कैसी लगी। और मैं अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।